किसान है, वो खालिस्तानी है, वो फंडर है, फंड उनको मिला है सपा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा उनको फंड मिला हुआ है कि जाइए और वहां पे सरकार का जो है रोड़ा लगाइए, सरकार बनने जा रही है, फिर मोदी जी की 400 पार होने जा रही है। तो रोड़ा भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की राजनीति करते हैं, उस धर्म की राजनीति को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। निश्चित रूप से इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप उत्तर प्रदेश और चुनाव की बात पर और 400 पार की बात पर करते हैं और अभी मेरे बड़े भाई ने अगर मणिपुर की घटना की याद दिलाई है और उसके बाद भी ये बात आती है कि उत्तर प्रदेश में हम इस स्थिति में हैं और मणिपुर में इस तरीके की घटना होती है तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। अभी विकास की बात हो रही थी, मेरे साथी समाजवादी पार्टी बोल रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ विकास के माने सफाई। सफाई में मुजरा होता था, दिसंबर की जब कड़ाके की ठंड होती थी तो वहाँ कम्बल बटने बजाय लोग मदिरा में व्यस्त रहते थे, कैटरीना करीफा कैटरीना और सैफ करीना का डांस देखा जाता था, ये देश के अंदर इतनी वो थी। नमस्कार, मैं गोपाल जी, आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी पोस्ट का स्पेशल सेगमेंट जनता जनार्दन। भले ही जो है 5 साल जनता कहीं जहाँ कहीं भी रहती हो लेकिन चुनाव आते हैं उसे जनार्दन कह दिया जाता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सत्तारूढ़ पार्टी से, क्योंकि जिम्मेदारी उसी की बनती है और जवाबदेही उसी बनती है। मोदी जी ने कहा कि 400 पार अब की बार, किस नेक और नियत और नीति के साथ 400 पार की बात कर रहे हैं आप? जिसकी नीयत साफ होती है उसका दृष्टिकोण भी साफ होता है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास को लेकर के काम किया था और जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसके उत्थान को लेकर लगातार काम कर रही थी। हमारे यहाँ जात मजहब से उठ करके सभी लोगों को समानता के साथ उनको आवास भी दिया गया, आयुष्मान भी दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में हो हर क्षेत्र में उनको पूरी सुविधाएं दी गई हैं और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी पुनः पूरे देश में एक नियत और अपनी साफ दृष्टि के साथ भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाएगी। पुनः विकास की नीति के साथ 400 पार के आंकड़े की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी इंटरव्यू लेते हैं, क्या लगता है आपको कि जो 400 पार की नीति के साथ, विकास की नीति के साथ जनता में जाने की बात कर रहे हैं उसमें कितना सहमत हैं आप? विकास पुरुष तो आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में विकास किया था और उसके बाद हम लोग 2017 के चुनाव में हम लोग गए थे, जनता ने विकास को नकार दिया था, हमको नकारा था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म की राजनीति करते हैं, उस धर्म की राजनीति को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। निश्चित रूप से इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। धर्म की राजनीति करते हैं बड़ा आरोप है, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है? भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है, पहले तो विकास की राजनीति करती है। जब सारा विकास करा दिया भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारी आस्था, हिंदुओं की आस्था, श्री राम मंदिर जो कई सालों से, कई वर्षों से पड़ा हुआ था और हमारे रामलला जी टेंट में विराजमान होते थे, तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की, उसके बाद में हमारा राम मंदिर बना, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। अब इनको खलन होती है कि हमारा राम मंदिर क्यों बन गया। विपक्ष के भाई अभी साफ साफ कह रहे हैं कि इनको जनता ने नकारा, अब ये किस मुद्दे पे जो है जनता के सामने जाएंगे, इनको तो जनता ने खुद ही कह रहे नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से कहना है कि राम मंदिर के आस्था की बात करते हैं, वो झंडे की बात नहीं है, क्या लगता है? कांग्रेस से हम व्यू ले लेते हैं, बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी से पहले आपकी सरकार रही और अब उनका कहना है कि मंदिर के योगदान में उनकी बड़ी भूमिका है। 2024 के चुनाव में आपने भी यूपी में गठबंधन किया है, इंडिया में गठबंधन किया है, पूरे देश में, लगता है कि जो है मंदिर के, राम मंदिर के आस्था के सैलाब में कहीं आप टिक पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया है, मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है और ये इनका एक बहुत अच्छा वो रहा है कि देखिए जनता के पैसों से बना है और सुप्रीम कोर्ट ने जो तिथि तय करी है उस तिथि पे बना है और इन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाया। और जब भी कभी कोई स्वास्थ्य की बात करता है, शिक्षा की बात करता है या किसी मुद्दे पे कोई बात करता है तो ये मंदिर को आगे रख करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं और जनता से मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं। और जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि हमें स्वास्थ्य भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, रोज़गार भी चाहिए। हर बार पेपर लीक होता है वो भी आगे मंदिर की बात करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये जातिगत बात करते हैं, केवल जातिवाद पे चुनाव लड़ना चाहते हैं और ईडी और सीबीआई के सहारे ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। 400 पार का नारा सिर्फ ईडी और सीबीआई के सहारे ही दे रहे हैं, बाकी इनके पास कुछ नहीं है। तो मंदिर की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के एडवांटेज की बात करती है तो कांग्रेस कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का उसमें बड़ा योगदान है। आइए आरटीआई एक टेस्ट भी है, अधिवक्ता उनसे बात कर लेते हैं, क्या लगता है राम मंदिर के इस बड़े निर्माण में किसका बड़ा योगदान है आपके नज़र से? सबसे पहले तो आप मुझे माफ़ करें,
मैं सबसे पहले दोषी अगर किसी को देता हूँ जनता को भ्रमित करने का, तो वो हमारा देश का बहुमत मीडिया है। सबसे ज्यादा जनता को भ्रमित करने का, दिग्भ्रमित करने का, उसको बहलाने का, फुसलाने का जो कार्य किया है, तथ्यों को छिपाने का, वो किया है मीडिया पर्सन्स ने। सबसे बड़े जिम्मेदार वो हैं। आखिर सवाल इस बात का है कि आप लोग मूल प्रश्नों से भटकाने का काम क्यों कर रहे हैं जनता को? आप और आपके और बड़े बड़े साथी क्यों जनता को मूल प्रश्नों से भटकाने की बात कर रहे हैं? आपने इस देश की बेरोजगारी पे बात की, आपने इसकी पर कैपिटा इनकम पे बात की, आपने ये बात की कि पिछले 10 वर्षों में यूरिया का रेट कितना बढ़ा और उसका बैग कितना छोटा हुआ। आपने इस पूरे डिबेट में एक बार भी किसानों की, मैं माननीय मोदी जी के मुख्यमंत्री गुजरात के रूप में 2013 के भाषण को, उन्होंने मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी भी लिखी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री को, कि MSP गारंटी होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री तत्कालीन गुजरात श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के शब्द थे उस पत्र में जो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को लिखा था। आज खामोशी। संविधान कहता है कि फ्री ट्रेवल एनीवेयर। आप में से किसी ने सवाल उठाया कि किस कानून की, किस धारा के तहत, किन शक्तियों के अंतर्गत दो राज्यों के बीच में आज 9-9 फीट ऊंची सीमेंट की दीवार, कंक्रीट और किले लगाई जा रही हैं? फ्री ट्रेवल का राइट कहाँ चला गया? क्या उठाया आप लोगों ने सवाल? छोड़ दीजिए इस बात को। एक बड़े अखबार की मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान या इस तरीके के और सारे अखबार, इनमें किसी में ये खबर छपी है कि छात्रों का पुलिस भर्ती घोटाले की परीक्षा को लेकर के आंदोलन हुआ? छपी है, देख लीजिए अखबारों को उठा करके। 25 तारीख में ये खबर छपी कि नहीं साहब, उसको परीक्षा कैंसिल हो गई, लेकिन जब छात्र आंदोलन करे तो की खबर नहीं छपी। तो मीडिया इनफैक्ट अपनी भूमिका को भूल गया है। मीडिया का जो मूल दायित्व है, मुझे इस बात के कहने की जरूरत, क्योंकि मैं देश के बहुत बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में सबसे सर्वोच्च पदों पर रहा हूँ, इसलिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि मीडिया ने अपनी भूमिका को पूरी तरीके से त्याग दिया है। क्योंकि मीडिया का काम है कि जनता की बातों को उठाना, सत्ता में कोई भी दल हो, कोई भी पक्ष हो, उनको हमने भूल गए। हम आज जब बात नहीं कर रहे हैं कि हमारी, आखिर एक बात में सवाल आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, अगर हमारे देश में बड़ा विकास हो रहा है तो 80 करोड़ लोग भूखे क्यों हैं? और आप 80 करोड़ को क्यों दे रहे हैं? हमें उनको सबल बनाना चाहिए या उनको भिखारी बनाने की ओर अग्रसर रहना चाहिए? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है, जैसे सार्वजनिक होना नितांत आवश्यक है व्यापक जनहित में। अभी हमारे एक मित्र ने, भाजपा के साथी ने कहा कि हम शिक्षा दे रहे हैं, केंद्र सरकार के 2022-23 के बजट को देख लीजिए, शिक्षा के बजट में 20% की कमी हो गई। फंड एलोकेशन देख लीजिए अपने बजट का आप, शिक्षा में, स्वास्थ्य में आप, मैंने बजट में कमी की है। और जो मूलभूत आवश्यकता जनता की है कि समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य, उसके बजट में, सेंट्रल बजट में कमी है, उसमें कटौती की गई। तो आखिर किसके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से देश में भय का माहौल बना करके लोगों को सत्ता के विरोध से विरत रखना। ये आंकड़ों के नाम पर बड़े आरोप है कि जो है किसानों की आय में कमी हुई है, फिर आसन ये साबित करता है कि विकास की बात नहीं। ये पूछ देते हैं, बड़ा एलिगेशन है कि 80 करोड़ लोगों को आप रोटी बांट रहे हैं, इसका मतलब है कि देश में विकास नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। देश एक भयानक, जो अपने यहाँ कोरोना जैसी भयानक वैश्विक बीमारी आई, उससे लोग त्रस्त थे। चारों तरफ ऐसी निराशा, हताशा आ गई थी कि देश कैसे बचेगा। दुनिया के अंदर कोरोना का एक पूरा वो था कि कैसे लोग बचेंगे। तो इसको बचाने के लिए एक जहमत मोदी जी ने तुरंत, जो कठिन से कठिन हो सकते थे उस वक्त, निर्णय लिए। और पूरे देश के अंदर, दुनिया में अगर कोई सुरक्षित देश बचा तो भारत बचा। और जब मोदी जी वैक्सीन बना रहे थे, तब लोग कह रहे थे ये किस स्थिति में वैक्सीन बनेगी और कैसे लगेगी, कितने दसों साल लग जाएंगी। आशु जी एक मिनट, पटवा जी जो है रिमार्क कर रहे हैं, मगर क्या कह रहे हैं? हमारे भाजपा के साथी जो हैं, वो वैक्सीन के मुद्दे पर पूरी तरीके से आप सबको भ्रमित कर रहे हैं। या अधिकृत आंकड़ों के साथ मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं कोई लाग लपेट की बात नहीं करता।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने इस देश के नागरिकों के लिए किसी कोरोना वैक्सीन की कोई घोषणा कदापि नहीं की थी। मैं इसी पर रहूंगा। इसके हुआ ये था, उन्होंने कहा था कि हम कोरोना कंपनियों से बात कर रहे हैं, विशेष तौर से सीरम इंडिया से, जो पूनावाला की कंपनी है, पूनावाला की कंपनी से बात कर रहे हैं, और हम इसके लिए एक रेट तय करेंगे। उसके लिए दो रेट तय किए, गवर्नमेंट अस्पतालों के लिए और प्राइवेट अस्पतालों के लिए। जनता भूल जाती है बड़ी बुरी तरीके से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से कहा कि जो आपने 39,000 करोड़ रुपये का बजट एलोकेशन किया था, उसके व्यय का हिसाब लाइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कोरोना के इलाज के हिसाब की पूरी फाइल तलब की, तो उस हिसाब को देने से बचने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि सबको वैक्सीन फ्री लगेगी। बड़ा आरोप आसू जी की वैक्सीन जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद फ्री की गई थी, ये तथ्यात्मक उनका भ्रामक प्रचार है। ये सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। 80 करोड़ जनता को जिन्होंने जो अभी अनाज का वो लगाया, इसको बचाने के लिए हमने काम किया था कि इनको मोदी जी की, लोगों ने कहा भाई तो मोदी जी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। विपक्ष हताशा निराशा हमेशा रहा है, अब भी निराशा में। दुनिया को मालूम है मोदी जी किस तरह से देश को ऊंचाई पे लाए, सबसे किसी छुपा नहीं है, और हताशा निराशा किसी ना किसी माध्यम में निकलेगी। और जनता जनार्दन है फिर तय करने वाली 2024 में। अभी 22 का चुनाव हो रहा था तब भी लोग कह रहे थे क्या होगा, बुलडोजर कहाँ जाएगा, मोदी जी कहाँ जाएंगे, सब सामने। 2024 भी आपके सामने, चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, बुलडोजर की नीति को आप कहाँ तक सही मानते हैं? बुलडोजर की नीति उन लोगों पे चली है जो इस देश की गतिविधियों में गलत संलिप्त है, जिन लोगों का माफिया राज, जो भी सरकारें आई उनका हाथ किसके ऊपर होता था इससे पहले का आप उठा कर तो देखिए कौन से लोग राज करते थे। अभी विकास की बात हो रही थी, मेरे साथ ही समाजवादी पार्टी बोल रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ विकास के माने सफाई। सफाई में मुजरा होता था, दिसंबर की जब कड़ाके की ठंड होती थी तो वहाँ कंबल बटने के बजाय लोग मदिरा में व्यस्त रहते थे, कैटरीना करीफा, कैटरीना और सैफ कैटरीना का डांस देखा जाता था, ये देश के अंदर इतनी वो थी। आज वह देश नई ऊंचाई छू रहा है। राम मंदिर का विषय आता है बार बार, अरे राम मंदिर भगवान कब आए हैं टेंट से, जब सबको चारों तरफ समाज में खुशहाली आ गई है, आवास मिल गया है, लोग शिक्षा भी पा रहे हैं, रोटी भी पा रहे हैं, तनाज भी पा रहे, तब भगवान भी आज अपने महल में आए। आइए सपा से व्यू लेते हैं, कहना है कि बुलडोजर के बाद में प्रदेश में जो है शांति संयम है, क्राइम खत्म हुआ है, आधी आबादी की बात कहते हैं, तब जी क्या कहेंगी? बड़ा आरोप है कि सफाई में जो है आप सरकार में क्या होता था? देखिए, दोषारोपण करने से कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको जनता ने चुना, पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार आई, आप पूरे 5 साल, पिछले भी 5 साल आप दूसरी सरकार पर दोषारोपण करते रहे, हम इनसे बेहतर हैं या हम उनसे कम हैं, इस पर ही सिर्फ चलता रहा। महिलाओं की अगर बात देखी जाए तो इस सरकार में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएँ हैं, लगातार बलात्कार की घटनाएँ होती हैं, अभी BHU की घटना होती है, जो लोग आरोपी हैं उनको सरकार मदद कर रही है, सरकार के लोग मदद कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण में हैं, वो बड़े बड़े भाजपा के नेताओं के साथ उनकी फोटोग्राफ्स भी हैं, और बाकायदा वो बड़े बड़े पदों पर हैं, और उनके साथ कोई भी जिस तरीके से एक आरोपी के साथ होना चाहिए उस तरीके से कोई व्यवहार नहीं हो रहा है, VIP ट्रीटमेंट चल रहा है, महिलाएं बहुत असुरक्षित हैं, ये सरकार ढोल पीटती रहे कोई फायदा नहीं है इसे। महिलाएं बहुत असुरक्षित है आरोप है, दीपक गुरु जी क्या कहना है कि ढोल पीट रहे हैं आप और महिलाएं असुरक्षित हैं? अभी हमारी बहन जैसे इन्होंने कहा कि दोषारोपण, खुद ही दोष कर रही है, इसका जवाब मैं क्या दूं? ये तो आप जनता से पूछो कि कैसे समाज लाभ पा रहा है और महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं आज। दोषारोपण तो उन्होंने खुद कहा, कुछ दोष लगा नहीं तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता इनके। ये जो है AM से जो है नसीम जी हैं, लेते हैं क्या कहना है? प्रदेश में बुलडोजर नीति चली है, चारों तरफ अमन चैन है, कहना है विकास की गंगा भरी है, अब की बार 400 पार का जो है नारा है जी। ये बुलडोजर नीति जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और कानूनी प्रक्रिया के अगर कोई अपराधी है, कोई गलत काम किया है, तो उसको कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत गुजार के उसका कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर कोई कोर्ट सजा देता है तो उसके अनुरूप होना चाहिए। लेकिन बुलडोजर नीति जो है ये बिल्कुल गलत है। और ये बात हमारे, देखिए सत्ता हमेशा नहीं रहती है किसी के पास, आज हमारे पास है कल उनके पास है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है न बुलडोजर बनना बंद होगा न बुलडोजर चलना बंद होगा, तो इनके बाद इनका ही
नंबर आने वाला है। जो आज बुलडोजर गलत लोगों पे चल रहा है, वो बुलडोजर की का रास्ता और स्टेयरिंग सीट जो है चेंज होने वाली है, और अगर ऐसा होगा तो इनको भी भुगतना पड़ेगा। जो बदले की भावना से काम होगा, बिल्कुल बदले की भावना से काम हो रहा है। ये कह रहे हैं बुलडोजर से भय का वातावरण समाप्त किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी पार्टी के कुलदीप सेंगर पर कब बुलडोजर चला? न्यायिक अभिरक्षा में इनकी सरकार की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। न्यायिक अभिरक्षा में अतीक अशरफ की हत्या की गई, उनके हत्यारों पर बुलडोजर चला, ये बताएं, उन पर बुलडोजर चला? बुलडोजर ऐसे लोगों पर चलाया जाए जो राजनीति से प्रेरित है, राजनीति के लोग हैं, उनको दहशत का माहौल पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। बड़ा आरोप है बारुल जी, आप भी भाजपा नेत्री नई नई बनी है अभी, आप बड़ा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर केवल प्रायोजित बुलडोजर है, क्या कहेंगे इस पे आप? ये तो इनका कहना है, ये गलत आरोप है। और हमारी बड़ी बहन ने अभी कहा था कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि ज़रा आपने ज़्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, इस पार्क में ही ज़रा सा हल्का सा सर इधर उधर घुमा के देखें और यहीं पे उनके सवाल का जवाब मिलेगा कि हमारी महिलाएं बच्चियाँ इतनी सुरक्षित हैं कि रात का अंधेरा हो रहा है और हमारी बच्चियाँ यहाँ अकेले घूम रही हैं। तो हम इस पर अपनी बड़ी बहन से कहना चाहेंगे। और रही बात सरकार की, आपने कहा 400 बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं मोदी जी, तो महिलाएं सुरक्षित हैं, आपके आरोप को निराधार बताया जा रहा है, क्या कुछ काउंटर है आपका? इनके गृह मंत्री मतलब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि रात में महिलाएं जेवर पहन के निकल सकती हैं, वो महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। हमारे देश में ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं, आरोप प्रत्यारोप में जाती नहीं हूं। मेरा सीधा सा मानना है कि महिलाओं से सीधे सीधे पूछ लिया जाए कि जिनकी बच्चियाँ जाती हैं बाहर निकलती हैं, अगर देर हो जाए तो उन्हें डर लगने लग जाता है, बेटियां सुरक्षित घर नहीं वापस लौटेंगी। और न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, रोज़ की घटनाएं हैं, इसमें हम बोले या कोई बोले तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। सीधे सीधे न्यूज़पेपर गवाही देते हैं इस बात की कि कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें बहन बेटियों के साथ अलग रोज़ रोज़ बलात्कार की घटनाएँ ना हो रही हों, कहीं गैंग रेप हो रहा है। मैं तो सीधे सीधे कहना चाहती हूँ कि सरकार को पोर्न मूवीज़ पर भी, पोर्न साइट्स पर भी बैन लगाना चाहिए, क्योंकि अभी जो कासगंज की घटना हुई है वो भी बहुत निंदनीय है, क्योंकि इस पर बैन क्यों नहीं लगता, ये मेरा भी प्रश्न है। दीपक जी, बड़ा आरोप है, कहना है कि जो है आंकड़ों की बात की जा रही है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अखबार टीवी चैनल्स की रिपोर्ट्स में जो है महिला अपराधों की भरमार है, आपकी पार्टी में सशक्ति का महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैं बहन तृप्ति जी से पूछना चाहता हूँ, अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं होती तो इस शासन में ही इनकी एकेडमी की शुरुआत ना हुई होती और आज महिलाएं वहां खेल ना रही होती, बच्चे जो हैं छोटे छोटे, ये इसी शासन में संभव हुआ, नहीं तो बच्चे अपने घर से निकलते नहीं थे फील्ड तक का। ये आज एकेडमी जो चालू करी है इस शासन के काल में ही संभव हो सका है। पटवारी से भी जो है रूल लेते हैं, पटवारी क्या लगता है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, मिशन शक्ति का नारा देती है पार्टी, कितना जो है इनके आंकड़ों और इनके स्लोगनों में दम है? देखिए, महिला सशक्तिकरण की जो बात आप कर रहे हैं, अभी आप ये देख लीजिए जो महिला पहलवानों ने, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया ने जो आंदोलन किया, अभी आप पीछे चले यूट्यूब पर चले जाइए, आपको कुछ वीडियो मिल जाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं जब विनेश फोगाट मेडल जीत के लाती हैं कि आप मेरे परिवार की बेटी हैं। इस पूरे दौरान महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए बड़ी शर्म की बात है कहते हुए, हम लोग बहुत जल्दी भूलते हैं, 3 फरवरी 2023 आपको याद है क्या, इस घटना का, इस तिथि का क्या महत्व है? गिरी साहब बताएंगे आप 3 फरवरी 2023 क्या है? मणिपुर, मणिपुर की घटना की शुरुआत 3 फरवरी 2023 को हुई थी, आज क्या तारीख है जब हम आप बात कर रहे हैं, 25 फरवरी 2024, 36 सेकेंड की अगर बातचीत को छोड़ दीजिए जो संसद के बाहर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी, क्या प्रधानमंत्री जी असम अभी गए थे, फरवरी में गए थे, क्या एक बार भी मणिपुर गए? हमारे माननीय गृह मंत्री जी केवल एक बार मणिपुर गए थे, कब? कर्नाटक चुनाव का परिणाम आने के 15 दिन के बाद। लोगों की स्मरण शक्ति बहुत ही क्षीण होती है, इनको कुछ पता ही नहीं होता है, जनता की जानकार होने की बात मत कीजिए। और आज तक अभी मणिपुर में लेटेस्ट हिंसा की घटनाएं कब हुई है? परसों, मतलब 23 फरवरी 2024 को।
इतने दिनों में जब आप कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप महिला अस्मिता की बात कर रहे हैं, महिला अस्मिता की जो आप बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? विकास जी, भाजपा से यहाँ बड़ा आरोप है कि जो है मणिपुर और जो है फोगाट खिलाड़ियों जैसी घटनाओं पर बड़ी शर्मिंदगी देश को झेलनी पड़ी आपकी सरकार में, और मिशन शक्ति की बात कर रहे हैं? नहीं, जैसे कि आप मणिपुर की बात कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। इतना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, अब इनको उत्तर प्रदेश के विकास से मतलब नहीं है कि हमारे देश में क्या, हमारे उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुए हैं जो हम गिनाए। लेकिन देश बात देश के संसद की हो रही है और पूरे देश की बात की जाएगी, क्योंकि आप नारा 400 पार का पूरे देश से दे रहे हैं। नहीं तो 400 पार मणिपुर में जो भी घटना हुई उस पर कार्रवाई हुई, शासन ने ही कार्रवाई की है, ऐसा नहीं कि शासन ने वहां कार्रवाई नहीं की है। लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है। इस बार उत्तर प्रदेश की जितनी सीटें हैं पूरी की पूरी भाजपा के पास रहेंगी और 400 पार हम लोग फिर से मोदी जी। भाजपा का कहना है कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा है, महिलाएं सुरक्षित, इसलिए मुद्दा नहीं है, इसलिए बाहर स्टेटों की बात की जाती है। छोटे भाई ने ये बात कही है, मुझे शर्म आ रही है इस बात से कि आप उत्तर प्रदेश और चुनाव की बात पर और 400 पार की बात पर करते हैं, और अभी मेरे बड़े भाई ने अगर मणिपुर की घटना की याद दिलाई है और उसके बाद भी ये बात आती है कि उत्तर प्रदेश में हम इस स्थिति में हैं और मणिपुर में इस तरीके की घटना होती है, तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। ये वाकई बहुत शर्मनाक चीज़ है। मैं मणिपुर की घटना बताऊँ और अभी विनेश फोगाट की बात जहाँ तक आई है, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, उनके साथ और लड़कियों ने भी आरोप लगाए थे यही भाजपा के सांसद के ऊपर, उस सांसद के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद दोबारा कमेटी गठित की जाती है और जब बहुत ज़्यादा विरोध होता है तब उस कमेटी का को निरस्त किया जाता है। ये घटना महीनों चली है और सबने देखी है, और विनेश फोगाट ने जीत के अपने आप को ऊंचा किया है। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसी बहुत सारी लड़कियों के साथ बराबर उत्पीड़न हुआ है, और जहां तक एकेडमी की बात है, मैं अभी मेरे से प्रश्न आ गया है, मैं बताना चाहती हूं, उसके लिए मुझे किसी सरकारी मदद की मुझे नहीं मिली है। उसके लिए मैंने खुद जाके लड़कियों को प्रोत्साहित किया है कि आप बाहर निकलो, लेकिन उसके साथ भी उनकी पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, अगर शाम को घर जाएंगी तो दिक्कत है। तो मैं उनको बोलती हूँ अगर कोई दिक्कत आती तो आप मुझे फोन करना, हम लोग खुद आपके साथ मौजूद हैं, लेकिन सरकार या सरकारी सिस्टम से उनके घर, उनके माता पिता अपने आप को और अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं मानते। ये शर्मनाक है सरकार के लिए, और ये सोचने की बात है कि आप 400 पार की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए कि जहां लड़कियां सुरक्षित नहीं है, 50% आबादी की बात होती है, आधी आबादी की आप बात करते हो, महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें, हमें देवी बना के आप पूजिए मत, लेकिन महिलाओं को सम्मान दीजिए और महिलाओं को अपना बराबरी का अधिकार चाहिए। देवी बना के पूजिए मत लेकिन सम्मान दीजिए। सपा जी महिला आबादी रिप्रेजेंटेटिव तरफ से बात कही गई है कि जो है, आइए बात कर लेते हैं भाजपा की जो है आधी आबादी से बात कर लेते हैं, क्या लगता है बड़े आरोप है कि मणिपुर से लेकर खिलाड़ियों तक, क्या लगता है यूपी में क्या स्थिति है? क्योंकि लखीमपुर खीरी में बहुत बड़े कांड हुए हैं पिछले एक साल का दरमियान देख लिया जाए तो। हम भी लगातार देख रहे हैं, सपा में भी देखा था, हर जगह देखे हैं। इन 5 सालों में नहीं, 10 सालों में हम कहेंगे, जब से मोदी जी बैठे हुए हैं, पूरे देश की महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं, और सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है धर्म पे, मंदिर पे, इस पे, उस पे, तो उस पे भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, 400 पार ये जो है सबसे ज़्यादा हमारी महिलाएं ही मोदी जी को 400 पार करा के भेजेंगी। हैट्रिक जो मारेंगे मोदी जी, सबसे ज़्यादा उसमें किसी की वो रहेगी तो वो महिलाएं रहेंगी सहभागिता, और उसमें भी मुस्लिम समाज की महिलाएं नंबर वन पे वोट करने जा रही हैं। अभी हमारी बहन ने एक बात कही कि महिलाएं सुरक्षित हैं। नवंबर 2023 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की घटना, जिसके अपराधी भाजपा आईटी सेल के मुख्य पदाधिकारी थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र के, और जो उस अपराध को कारित करने के बाद मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में संलिप्त रहे पूरे समय, हाथरस हत्याकांड के बारे में क्या किसी ने कोई बात की? अभी जो अपने जनपद में स्थानीय स्तर पर जो महिलाओं के साथ शर्मनाक घटनाएं घटित हुई हैं, क्या उसकी किसी ने बात की? कोई बात की किसी ने? और अभी एक हमारे मित्र ने बात की थी उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहने की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर विनम्र निवेदन करूंगा कि उन्होंने जिनको रोजगार दिया है उनकी एक सूची उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर सबके नाम, पिता के नाम, पतों और उनके नियुक्ति पदों के नियुक्ति तिथि सही जारी कर दें कि कितने रोजगार दिए हैं 2017 से अब तक, उनकी सबकी सूची
कम से कम एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दे कि हमने श्री फला को इस पद पर इस रंग से नियुक्ति प्रदान की है। बनारस और जो है हाथरस के मामलों में बड़ी जो है आरोप है, भाजपा के लोग सम्मिलित थे और आपने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। पहले तो हम उस बात की बात करेंगे, हमारी बड़ी बहन सपा नेत्री ने मणिपुर की घटना और बलात्कार जैसी घटनाओं के बारे में हमारी सरकार को दोषी बताया है, तो हमारी सरकार उन सभी घटनाओं की निंदा करती है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उस घटनाओं की बहुत निंदा करते हैं। लेकिन जिस पार्टी में हमारी बड़ी बहन नेत्री हैं, उस पार्टी के मुखिया स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी ने इस घटनाओं को जो बढ़ावा दिया था ये कह के कि लड़के हैं गलती हो जाती है, उन्हीं का परिणाम है। उन लड़कियों से लड़कों से अभी भी गलतियां हो रही हैं और हमारे बुलडोजर जो है योगी जी का उन लड़कों को सुधार रहा है, उनके घर में बुलडोजर चला के। ये बड़ा आरोप है कि आपके मुखिया ने जो है स्टेटमेंट दिया था और उसका परिणाम आ जा रहा है। जब महिला आरक्षण बिल चल रहा था उस समय हमारे मुखिया का मुख्य यही कार्य था कि निश्चित रूप से महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ पीडीए होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत बड़ा मुद्दा है इसमें किसान का। हमारे साथियों ने कहा है किसानों की आय दुगनी हुई है, किसानों की अगर आय दुगनी होती इस सरकार में तो किसान अभी 9 महीने लड़ाई लड़ा था और आज फिर सड़क के ऊपर पूरा जीवन यापन कर रहा है। हमारे जनपद में चार चार किसान मार दिए गए। किसान खेतों में काम कर, देखिए किसान कितना, किसान सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा है सरकार से, सरकार से दिल्ली बॉर्डर जाम किए रखा है और सरकार पूरी तरीके से उन पर दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। ये लखीमपुर जनपद और पूरे देश की अर्थव्यवस्था किसानों पर आधारित है। देखिए किसान बहुत परेशान है और दिल्ली बॉर्डर पे जमा हुआ है। ये देश के अंदर जो है ये क्या हो रहा है कि किसानों को रोकने के लिए जो है बड़ी बड़ी लोहे की राडें लगाई जा रही हैं और दीवारें खड़ी की जा रही हैं, ये तो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। ये नहीं, अब बुलडोजर, आपने कहा लखीमपुर में किसानों की हत्या हुई, उस पर बुलडोजर चला, किसके ऊपर बुलडोजर चला बताइए। बात चलती है भय और दहशत की, भय और दहशत का माहौल पैदा करके इस देश की राजनीति को स्थिर करना, संविधान को खत्म करना। बड़े आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी। आरोप प्रत्यारोप तो लोगों का वो है, मन है, चलता ही रहेगा। किस तरह से किसान सोसाइट करते थे इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, रोज घटनाएं छपती थी, रोज पेपर में आता था। अभी एक साथी ने पत्रकारों पर भी लगा दिया कि आपने चौथे स्तंभ को ढाक के रखा है और उस पर भी अपने प्रश्न खड़े कर दिए। तो मैं तो कहूँगा आप लोग तो स्वतंत्र हैं, पूरा तथ्य निकाल लें 14 से लेकर 2024 तक का, कितने किसानों ने आत्महत्या की, कितने किसान खुशहाल हुए। पूरे देश के अंदर खुशहाली का आयाम रच रहा है, चारों तरफ लोग तरक्की के आयाम रच रहे हैं, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे नारी, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी हिंदू मजहब सबकी संस्कृत को लेकर के साथ काम कर रही है। लखीमपुर के किसान हत्याओं के बुलडोजर का सवाल खड़ा किया सपा ने। हम उन सपा के भाइयों से ये कहना चाहते हैं कि हमारे पिताजी लखीमपुर से 10 किलोमीटर हमारा गांव है, किसान हैं। इस समय लाही भी कट रही है, गन्ने की बुआई भी हो रही है, पूरे गांव में बिल्कुल खुशी का माहौल है कि लाही कट रही, अच्छी पैदावार हो रही और गन्ने की बुआई हो रही है। इनके जो पार्टी के द्वारा जो फंड दिया गया है, जो वहां बैठे हैं हरियाणा बॉर्डर पे, वो कोई किसान नहीं है, वो दारू की इतनी लंबी खंभे की बोतल उनकी ट्राली में उसमें सी लगी होती है, वो किसान है, वो खालिस्तानी है, वो फंडर है, फंड उनको मिला है सपा के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा, उनको फंड मिला हुआ है कि जाइए और वहां पे सरकार का जो है रोड़ा लगाइए, सरकार बनने जा रही है, फिर मोदी जी की 400 पार होने जा रही है, तो रोड़ा लगाने के लिए वहां बैठे हैं वहां पे। इसीलिए लोग हैं जिनको फंडिंग करते, किस पे आरोप है आप? भाई सपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये फंडिंग करती है, वो फंडर बैठे हैं, नहीं तो वहां पे उनके पास में ब्लैक लेबल की बोतल होगी, उनके पास में रॉयल स्टेज की बोतल होगी, एसी लगी। बड़ा आरोप है कांग्रेस की फंडिंग करती है, किसानों को बेवजह खड़ा करती है। देखिए कांग्रेस फंडिंग करेगी कहाँ से, आपने तो खाते ही सीज कर दिए कांग्रेस के, कहाँ से फंडिंग करेगी भाई? ईडी सीबीआई आपके पास है, फंडिंग कौन कर रहा है भाई? ये तो आप जांच कराइए ना, आपके हाथ में तो संवैधानिक पद के जितने भी लोग हैं वो हैं, आप भेजिए जांच कराइए। हम लोग तो खुल के साथ में है, किसानों के साथ में है, आप अत्याचार करेंगे हम लोग देखेंगे। जिस तरीके से आपने आरोप लगाया कि वहाँ शराब की बोतल पी जाती है और आंदोलन हो रहा है,
ये आरोप सरासर गलत है। किसान क्या एसी में नहीं रह सकता? किसान रह सकता है, किसान रह सकता है, एसी में भी रह सकता है, फाइव स्टार होटल में भी रह सकता है। कि पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था किसानों के आधार किसानों पर आधारित है और इन्होंने किसानों को दबाने और कुचलने का काम किया है, इसीलिए किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली बॉर्डर पर खड़े हुए। देखिए, एक घंटे की डिबेट हुई, भारतीय जनता पार्टी ने जो उनकी नफरत की राजनीति है उसका परिचय दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर आज सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण हिंदुस्तान का कमजोर विपक्ष है। जो ट्विटर पे या फेसबुक पे या आपके उनके जो नेता हैं वो जमीन पर नहीं आना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर आज मजबूती से खड़ी है इस देश में, भारतीय जनता पार्टी जनता के सवालों पे भाग जाती है, वो मंदिर सामने करती है या वो धार्मिक मुद्दे उछालती है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल में पूरी तरीके से असफल रही है। लेकिन चूंकि विपक्ष नाकारा है इसलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार रिपीट हो रही है, विपक्ष नाकारा है इसलिए भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो रही है बार बार 2024 के चुनाव को लेकर। अब सरगर्मियां तेज है और ऐसे ही हम आपको विधानसभा टू विधानसभा मिलते रहेंगे। ट्यून रहिए लखीमपुर खीरी पोस्ट पर और जानते रहिए कि लखीमपुर खीरी में 2024 को लेकर माहौल क्या है। पोस्ट गोपालगिरी।